न्यूजीलैंड से भारत लौटे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बांग्लादेश और हिंदुओं के हालात पर बड़ा बयान दिया है। अपने वीडियो में उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के हिंदू तो भारत में आकर के शरण लेंगे, लेकिन कल अगर यही मुद्दा यही स्थिति भारत में उत्पन्न हुई तो भारत का हिंदू कहाँ जाएगा, हिंद महासागर, अटलांटिक या हिमालय। उन्होंने कहा कि हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं, भारत में सबको रहने का अधिकार है, संविधान में सबको अधिकार है, भारत में होना भी चाहिए, लेकिन हिंदुओं से ही सवाल है कि अगर यह स्थिति भारत में निर्मित हुई तो आप जाओगे कहाँ। बागेश्वर बाबा बोले कि इसलिए हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए। जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम की, सत्य सनातन धर्म की जय। विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो। हम आज ही भारत भूमि वापस आए हैं। लगातार सोशल मीडिया और टीवी पर देखती हुई जो खबरें और हिंदुओं के मंदिरों में जो बांग्लादेश में लगातार आक्रमण हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है, मन बहुत दुखित है हमारा, मन बहुत आप्रसन्न है हमारा। परंतु भारत सरकार ने एक कदम उठाया, बहुत संख्या में हिंदू भारत आना प्रारंभ हो गए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी प्रार्थना है भारत सरकार से, हम तो प्रार्थना कर सकते हैं भारतीय नागरिक होने के नाते, कि जितने भी हिंदू बांग्लादेश में फंसे हैं और जो भी आना चाहें उन्हें शरण भी दी जाए। एक और हमारी मांग है और विशेष अपील है, हिंदुओं से भी प्रार्थना है कि इस बात पर बहुत गौर करें, इस वीडियो को पूरा जरूर सुने, और वो ये अपील है हमारी कि उनको विशेष अधिकार भी दिया जाए। चलो बांग्लादेश के हिंदुओं की व्यवस्था तो हो जाएगी, हनुमान जी से हम प्रार्थना करेंगे, अर्जी भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, अपने निवेदन सामर्थ्यता जितनी है हम उतनी करेंगे। भारत सरकार उसके लिए दोनों हाथ खोल रही है, उसके लिए उनको धन्यवाद। पर प्रश्न ये उठता है कि बांग्लादेश के हिंदू तो भारत में आकर के शरण ले लेंगे, पर कल यही मुद्दा यही स्थिति परिस्थिति भारत में उठेगी तो भारत का हिंदू कहाँ जाएगा, हिंद महासागर या अटलांटिका या फिर हिमालय जाएगा। लोग हमसे कहते थे कि आप हिंदू मुसलमान करते, और सच ये है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हमने समय से पहले भारत के हिंदुओं को जगाने की कोशिश की तो आपने हमारा विरोध किया, पर आज तुम्हारी आंखों के सामने, आज तुम्हारी मीडिया ही, आज आपकी ही वह सोशल मीडिया के मोबाइल पर वो वीडियो आ रहे हैं जिसमें चिघाड़ रहे हैं हिंदू, और एक विशेष संप्रदाय के मंदिरों पर, वहां के इस्कॉन मंदिर पर इसलिए जलाया गया क्योंकि वो हिंदुत्व का और सनातन का प्रचार करते। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं, भारत में सबको रहने का अधिकार है, संविधान ने सबको अधिकार दिया और भारत में होना भी चाहिए। पर हम भारतीय हिंदुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि कल अगर भारत में यही वस्तु स्थिति यही परिस्थिति निर्मित हुई आप जाओगे कहां। इसीलिए तो हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए, इसलिए तो हम कहते हैं सबको अधिकार चाहिए, पर कम से कम एक देश ऐसा हो जो हिंदुओं के लिए हो। हम उसमें सबको बुलाएंगे, दुबई में सब लोग रहते हैं, अन्य देशों में भी सब देशों के लोग और सभी मजहब के लोग रहते हैं, हमारे भारत में भी सभी मजहब के लोग रहें, शांतिपूर्वक रहें, लेकिन कम से कम दुनिया में रहने वाले अगर कोई हिंदू के ऊपर आफत आए तो वो भारत में अधिकार के साथ जी तो पाए, शरणार्थी तो ना कहलाए। लोगों को हमारी बातें कुछ दिन पहले बुरा लगती थी कि हम हिंदू हिंदू की बात करते हैं, हम शायद TRP चाहते हैं। सच ये है कि हम आपको जगाने की बात कर रहे थे। ये बांग्लादेश का जो हाल है ये भारत का ना हो, इसलिए जागो हिंदू, जागो एकता की तरफ, जागो भागो मत, वरना तुम्हें बांग्लादेशियों की तरह तुम्हें भी देश छोड़ना पड़ेगा। बांग्लादेश में सभी लोग शांतिपूर्वक रहें, हम एक नई कोशिश कर रहे हैं, वहाँ रहने वाले कुछ लोगों से संपर्क में हैं, उनसे दूरभाष से भी हम उन पर चर्चा करेंगे, और आप चिंता न करें, हनुमान जी से हम बागेश्वर धाम भारत में आ गए, हम बालाजी के चरणों में अर्जी लगाएंगे। भारत के लोग भी अपना ध्यान रखें, सभी मजहब के लोग प्रेम पूर्वक रहें, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बहुत प्यारा देश है, रंग बिरंगा देश है, सब हिलमिल करके रहो, विश्व में शांति हो, यही प्रार्थना है। पर फिर से प्रश्न अंत में वही उठता है, अगर यही परिस्थिति भारत में निर्मित होगी तो कहां जाओगे। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग, बुंदेलखंड 24/7 स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।